टिहरी राजशाही के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाले योद्धा की कहानी सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। श्रीदेव सुमन ने टिहरी राजशाही को दिन में दिखाए थे तारे, 84 दिन तक की थी भूख हड़ताल। 29 साल की उम्र में जिसने सही भीषण यातनाएं और दी शहादत, गढ़वाल के भगत सिंह श्रीदेव सुमन को नमन। राजतंत्रों के इतिहास में शायद ही ऐसे मौके आए होंगे जब किसी राजभक्त की मौत राजशाही के अंत का कारण बनी होगी, लेकिन ऐसा उदाहरण भारत की तत्कालीन हिमालय रियासतों में से सबसे बड़ी टिहरी रियासत में जरूर मिलता है, जहां राजभक्त श्रीदेव सुमन की राजशाही की जेल में 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद मौत हो गई। उनकी मौत न सिर्फ टिहरी की राजशाही के अंत का कारण बनी बल्कि देश की तमाम रियासत में लोकतंत्र के लिए रहने वालों के लिए नजीर बन गई। सुमन की शहादत का स्वाधीनता आंदोलन पर भी पड़ा, जिसका उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीय नेताओं और तत्कालीन अखबारों ने भी किया। 1947 से पहले भारत में राजे रजवाड़ों का बोलबाला था। कई जगह जनता को अंग्रेजों के साथ उन राजाओं के अत्याचार भी सहने पड़ते थे जब युद्ध के बहाने भारत देश की अभावग्रस्त प्रजा को लूटा जा रहा था। ऐसे समय में उत्तराखंड राज्य में जन्म लिया था बालक श्री दत्त ने, जो बाद में श्रीदेव सुमन के नाम से जाने गए। श्रीदेव सुमन को टिहरी रियासत और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ जन क्रांति कर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए याद किया जाता है। ब्रिटिश हुकूमत और टिहरी की अलोकतांत्रिक राजशाही के खिलाफ लगातार आंदोलन कर श्रीदेव सुमन को दिसंबर 1943 को टिहरी की जेल में नरकीय जीवन भोगने के लिए डाल दिया गया था। झूठे गवाहों के जरिए उन पर मुकदमा चलाया गया। इसी दौरान मुकदमों की पैरवी करते हुए श्रीदेव सुमन ने कहा था, हाँ, मैंने प्रजा के खिलाफ लागू काले कानूनों और नीतियों का हमेशा विरोध किया। मैं इसे प्रजा का जन्मसिद्ध अधिकार मानता हूँ। श्रीदेव सुमन का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब जनता राजशाही को ही आखिरी फरमान समझती थी। यूरोप प्रवास पर होते थे तब प्रशासन के अधिकारी ही जनता पर मनमर्जी थोपते थे और राजा के लौटने पर उनके कान भरते थे। 25 मई 1915 को श्रीदेव सुमन ने टिहरी के ही जौल गांव में जन्म लिया था। हालांकि टिहरी रियासत को अंग्रेज कभी भी अपना गुलाम नहीं बना पाए थे, लेकिन यहां की हर कार्यवाही में उनका खुला हस्तक्षेप था। जैसा कि कुछ इतिहासकार भी लिखते हैं, राज परिवार अंग्रेजों के एहसानों तले इस कदर डूबा हुआ था कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों को छुपने के लिए अपने राजमहल के द्वार खोल दिए और खुद लोगों के घरों और जंगलों में दिन गुजारते गए। बदले में अंग्रेजों ने भी खूब कृपा बरसाई। 30 सितंबर 1943 से 25 जुलाई 1944 तक 200 दिन सुमन ने टिहरी की नरकीय जेल में बिताए। इस दौरान इन पर कई प्रकार से अत्याचार होते रहे। झूठे गवाहों के आधार पर जब इन पर मुकदमा दायर किया गया तो उन्होंने अपनी पैरवी स्वयं की और लिखित बयान देते हुए कहा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं जहां अपने भारत देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता के ध्येय में विश्वास करता हूं, मैंने प्रजा की भावना के विरुद्ध काले कानूनों और कार्यों की अवश्य आलोचना की है और मैं इसे प्रजा का जन्मसिद्ध अधिकार समझता हूं। लेकिन इन सब के बावजूद झूठे मुकदमे और फर्जी गवाहों के आधार पर 31 जनवरी 1944 को 2 साल का कारावास और 200 रुपया जुर्माना लगाकर इन्हें सजायाफ्ता मुजरिम बना दिया गया। इस दुर्व्यवहार के विरोध में सुमन ने 29 फरवरी से 21 दिन का उपवास प्रारंभ कर दिया, जिससे जेल के कर्मचारी को झुके लेकिन उनकी बात महाराजा से नहीं कराई गई। श्रीदेव सुमन लगातार मांग करते रहे कि उनकी बातें राजा तक पहुंचाई जाएं, लेकिन बदले में उन्हें कठोर दंड और यातनाएं दी गईं। शासन की ओर से किसी प्रकार का उत्तर न मिलने पर श्रीदेव सुमन ने विरोध स्वरूप 3 मई 1944 से अपना ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस बीच उनका मनोबल तोड़ने के लिए उन पर कई क्रूर अत्याचार किए गए, लेकिन सुमन अड़िग रहे। प्रशासन को यह डर था कि श्रीदेव सुमन की जेल में यदि मृत्यु हो गई तो जनता राजशाही के खिलाफ आंदोलन छेड़ देगी। सुमन के ऐतिहासिक अनशन का समाचार जब टिहरी की जनता तक पहुंचा तो रियासत ने अफवाह फैला दी कि श्रीदेव सुमन ने अनशन समाप्त कर दिया है और 4 अगस्त को महाराजा के जन्मदिन पर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अनशन खत्म करने की शर्त पर यह प्रस्ताव सुमन को भी दिया गया, लेकिन श्रीदेव सुमन का जवाब था, क्या मैंने अपनी रिहाई के लिए कदम उठाया है? ऐसा मायाजाल डालकर आप मुझे विचलित नहीं कर सकते। अगर प्रजामंडल को रजिस्टर्ड किए बिना मुझे रिहा कर दिया गया तो मैं फिर भी अपना अनशन जारी रखूंगा। यह प्रस्ताव ठुकराने के बाद सुमन को जेल के अधिकारियों की ओर से कांच मिली रोटियां खाने को दी गई। प्रताड़ना और अनशन से उनकी हालत बिगड़ती गई। जेल कर्मियों ने लोगों के बीच ये खबर फैला दी कि सुमन को निमोनिया हो गया है, जबकि उन्हें जेल में कुनैन के इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाए गए। इन इंजेक्शन के कारण ही वो डिहाइड्रेशन से जूझने पर पानी के लिए चिल्लाते, लेकिन उन्हें
पानी नहीं दिया जाता था। 20 जुलाई की रात से ही उन्हें बेहोशी आने लगी और 25 जुलाई 1944 को शाम करीब 4 बजे समर सेनानी ने अपने देश और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी अंधेरी रात में सुमन की लाश उन्हीं के नीचे बिछे कंबल में लपेट कर एक बोरी के अंदर सिल दी गई। फिर एक वार्डन और एक कैदी उस बोझे को लेकर चुपके से जेल के फाटक से बाहर निकले और भिलंगना के संगम से नीचे तेज प्रवाह में फेंक दिया। ये काम जनता से छुपकर किया गया क्योंकि उन्हें सुमन पर किए गए अत्याचारों से हुई इस मृत्यु से जनता द्वारा बगावत किए जाने का भय था। लेकिन श्रीदेव सुमन के बलिदान का जनता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और लोगों ने राजशाही के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। सुमन के बलिदान के बाद जनता के आंदोलन ने टिहरी रियासत को प्रजामंडल को वैधानिक करार देने पर मजबूर कर दिया। साल 1948 में जनता ने देवप्रयाग, कीर्तिनगर और टिहरी पर अधिकार कर लिया और प्रजामंडल का मंत्री परिषद गठित हुआ। टिहरी गढ़वाल के भारतीय गणराज्य में शामिल हो जाने तक यह आंदोलन चलता रहा। इसके बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल राज्य का भारत गणराज्य में विलीनीकरण हो गया। यही वो समय था जब वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और भोपाल जैसी तमाम रियासतों का भारत संघ में मिलाने के प्रयत्न कर रहे थे। श्रीदेव सुमन ने टिहरी की जनता के अधिकारों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा था, मैं अपने शरीर के कण कण को नष्ट हो जाने दूंगा लेकिन टिहरी के नागरिक अधिकारों को कुचलने नहीं दूंगा। अपने शरीर के कण कण के नष्ट हो जाने पर भी टिहरी के नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने का दम भरने वाले श्रीदेव सुमन ने अपने संकल्प को निभाया भी। उत्तराखंड के निर्माण में श्रीदेव सुमन जैसे अमर बलिदानों का सबसे बड़ा योगदान रहा। यह देवभूमि के साथ ही नायकों की भूमि भी है जिन्होंने समय समय पर अपने रक्त और बलिदान के उदाहरण पेश कर उत्तराखंड के इतिहास को गौरवशाली बनाया।